मॉम्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। माय डियर मॉम्स, आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो आपको कुछ फूड को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए। मीन्स अपनी डाइट में से उनको बिल्कुल स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि हम कभी कभी कुछ चीज़ें जाने अनजाने खाते रहते हैं और हमारे बच्चे को लूज मोशन हो जाते हैं, ग्रीन पॉटी आने लगती है, बैटरी पॉटी करते हैं, और कुछ भी मीन्स जब भी आप उनको फीड कराओगे वो इमीडिएटली पॉटी कर देते हैं। ये बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चंस रहते हैं कि मैम मेरे बच्चे को दूध पीते ही पॉटी आ जाती है, या फिर झाग वाली पॉटी कर रहा है, या फिर बहुत बैटरी पॉटी कर रहा है, या फिर ग्रीन पॉटी कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, अगर आपका बच्चा 0 से 6 मंथ तक है या फिर 1 ईयर तक है, क्योंकि वो कम्प्लीटली आपके फीड पर ही डिपेंड करता है, तो आपको कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा अवॉइड करनी पड़ेगी। आपको वो खानी ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आपके बच्चे के पेट को डिस्टर्ब कर देंगी, बच्चे के पेट में गैस बनी रहेगी, पेट फूला फूला रहेगा, उसे पेन हो सकता है, कॉलिक पेन हो सकता है, और बच्चा अननेसेसरी रोना स्टार्ट कर देगा और आप उसको पकड़ नहीं पाओगे कि बच्चे को आखिर हुआ क्या है, क्या दिक्कत है, क्यों रो रहा है। तो खाते हम हैं और उसका जो रिज़ल्ट हमारे बच्चे को आप बच्चे को आपको देखने को मिल जाएगा कि वो उसको कितना ज़्यादा फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि आपको अवॉइड करनी है, वो नहीं खानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको बोलूँगी वो है कि आप जितना भी स्पाइसी फूड खा रही हैं वो बिल्कुल खाना बंद कर दें, ठीक है। कि आपका भी 1 महीने का बच्चा है और आपने काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें आपने खाना स्टार्ट कर दिया, तो प्लीज़ आप स्पाइसी फूड खाना अभी कम कर दें। आपको हल्का नमक मिर्च वाला ही खाना खाना है, ठीक है। इसके बाद जैसे आप मैदे के जो भी प्रोडक्ट हैं, सिंपल अगर आपको खाना है तो गेहूँ के आटे की ही आप चपाती खा सकते हैं, पतले पतले जो चपाती बनाइए वो खाइए। लेकिन अभी आपको मैदा अवॉइड करनी है, क्योंकि वो इजी डाइजेस्टिबल नहीं होती है और उसको खाने के बाद वो खुद को आपको भी डाइजेस्ट नहीं होगी और उससे जो दूध प्रोड्यूस होगा आपके ब्रेस्ट में वो बच्चा आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट जो मैं आप बताने वाली हूँ वो है खट्टे फल। खट्टे फल अवॉइड करिए, ठीक है। जितने भी जिनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जो खटास पाई जाती है, जैसे आपके ऑरेंज है खट्टे होते हैं, वो अभी अवॉइड कर दीजिए, वो मत खाइए। तो और भी जो खट्टे फ्रूट्स हैं वो मत खाइए, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा अम्लता होती है जो कि आपके दूध में भी उस चीज़ को बढ़ा देंगे और आपके बच्चे को गैस प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो हमारे दूध से हमारे बच्चे को दिक्कत होगी, इसलिए खट्टे फल ना खाएँ। अगर आपको विटामिन सी की जो आपको अपनी बॉडी को रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी है तो आप पपीता खा सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको विटामिन सी भी मिल जाएगा और वो इजी डाइजेस्ट भी हो जाएगा, आपका पेट भी साफ रहेगा और बच्चे को भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो आप ये भी ध्यान रखिए। भारी जैसे आपको राजमा है, छोले हैं, ये कुछ टाइम के लिए आप अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि ये खुद में इतने हैवी होते हैं, राजमा खाकर कितनी गैस प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये आप ना खाएं। ये आपको साथ साथ आपके बच्चे को गैस की प्रॉब्लम कर देंगे, पेट फूला फूला रहेगा और बच्चे को लूज मोशन हो जाएंगे, पतली पतली पोटी आने लगेगी। तो प्लीज़ राजमा ना खाएं, भारी ये अनाज की सब्जियाँ आप ना खाएं, ठीक है, इसको भी आप अवॉइड कर दें। पुदीना, पुदीना अगर आप अपने डाइट में ले रहे हो, पुदीना की चटनी है या पुदीना को आप किसी भी फॉर्म में यूज़ कर रहे हो अपनी फूड में, तो प्लीज़ आप कुछ टाइम के लिए 1 ईयर के लिए बिल्कुल स्किप कर दें, ठीक है, बिल्कुल ना खाएं। क्योंकि जो पुदीना होता है वो आपका जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को कम कर देगा, दूध की मात्रा जो आपकी बन रही है उसका प्रोडक्शन बिल्कुल कम कर देगा, उतनी मात्रा में नहीं बन पाएगा। तो प्लीज़ आप पुदीना ना खाएं, वो आपके सेहत के लिए अभी सही नहीं है, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको ध्यान रखना अपने बच्चे के लिए, ठीक है। क्योंकि उसके बाद तो बच्चा फिर खुद सॉलिड फूड खाने लगता है, फिर इतना ब्रेस्ट मिल्क पर वो डिपेंड नहीं रहता और 2 साल बाद तो हमें पिलाना बंद कर देते हैं। तो आप अभी इस टाइम जब पीक टाइम चल रहा है, आपके बच्चे अभी छोटा है अगर आपका बेबी, तो पुदीना बिल्कुल भी ना खाएं, बिल्कुल अवॉइड कर दें, ओके। अब हम बात करेंगे अगर आप कॉफ़ी ले रहे हो, चाय पी रहे हो या चॉकलेट वाली कुछ भी चीज़ ऐसे खा रहे हो तो बिल्कुल अवॉइड कर दें, क्योंकि इनमें होता है कैफीन, आप सभी जानते हैं, और कैफीन
आपके जो बच्चे का जो भी दूध बनेगा और जो उस दूध को आपका बच्चा पिएगा तो क्या होगा, एक तो बच्चे को नींद नहीं आएगी, अनिद्रा की प्रॉब्लम होगी, बच्चे को इरिटेशन होगी, और कैफीन बच्चे के लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं है और आपको भी बिल्कुल उस टाइम सेफ़ नहीं है। तो कॉफ़ी तो आप बिल्कुल मत लीजिए। चाय अगर आप पीना चाहती हैं तो अच्छी क्वांटिटी में दूध लें और चाय की पत्ती बिल्कुल हल्की सी डाल लें कि हाँ एक चाय का फ्लेवर आपको मिल जाए। लेकिन चाय की पत्ती आप कम कर दोगे तो कैफीन की मात्रा उसमें ऑलरेडी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ये कॉफ़ी नहीं पीनी है, चाय थोड़ी बहुत पी सकते हैं जिससे कि आपके बच्चे का पेट ठीक रहे, हेल्दी रहे और उसे कोई प्रॉब्लम ना। नेक्स्ट मैं जो बताने वाली हूँ आपको, जैसे मूली है, पत्ता गोभी है, गोभी है, बैंगन है, ये सारी चीज़ें जो बादी करती है मीन्स जो गैस करती है, ये इजी डाइजेस्टिबल नहीं है तो इनको ना खाएं। ये हार्ट बर्न करती हैं, साथ ही साथ बच्चे को गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कर देती हैं, इरिटेट कर देती हैं, बच्चे का पेट फूला फूला हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो वेजिटेबल हैं ये आपको नहीं खानी है। इनके जगह पर आप कुछ टाइम के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हैं, फलीदार सब्जियां खा सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा। दाल पालक आप जितना खाओगे उतना हेल्दी रहेगा। दाल पालक इतना अच्छा रहता है, आपका दूध भी बढ़ाएगा, आपकी पाचन शक्ति भी सही रहेगी और आपके बच्चे को इजी डाइजेस्ट हो जाएगा, और आपके जो बेबी है अगर कमज़ोर है तो वो भी हेल्दी बना रहेगा। तो आप दाल पालक मीन्स मूंग की दाल में पालक को कट करके उसको बनाइए, वो खा लीजिए, वो बेटर रहेगा। तो हरी पत्तेदार सब्जियाँ खा लीजिए, ये आप अभी कुछ टाइम के लिए बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। हाँ, टेस्ट के रूप में अगर घर में बन रही है तो एक दो बाइट आप खा सकती हैं, अदरवाइज़ बिल्कुल स्किप कर दीजिए, क्योंकि हम जो खाएंगे उसका जो नुकसान हमारे बेबी को उठाना पड़ेगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिए, ठीक है। मक्का, जैसे अगर आपका बच्चा सर्दियों में हुआ है तो देखिए सबके घर में मक्के या बाजरे की रोटी बनती है, ये बहुत ज़्यादा हैवी फूड होता है, डाइजेस्ट नहीं होता। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया मैदा नहीं खाने, वैसे ही मक्के से बच्चे को एलर्जी होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपकी परिवार की हिस्ट्री में किसी को एलर्जी रही हो तो बच्चे को डेफिनेटली हो सकती है इससे एलर्जी, ठीक है। एलर्जी बच्चे को डिफरेंट टाइप की हो सकती है, जैसे रैशेज हो जाना, फुंसियाँ निकल आना, ठीक है, बच्चे के शरीर पर बहुत सारी प्रॉब्लम स्किन से रिलेटेड हो सकती हैं। तो आप मक्के का आटा ना खाएं, कुछ टाइम के लिए आप इसको स्किप कर सकती। लास्ट जो मैं बताने वाली हूँ वो लहसुन, लहसुन आपको नहीं खाना है, क्योंकि लहसुन खाने के कम 2-3 घंटे तक उसकी जो गंदी सी स्मेल है वो आपके दूध में बनी रहेगी और बच्चे उसको पिएगा नहीं। कभी कभी आपने एक क्वेश्चन मुझसे बहुत किया है कि मैम बच्चे ने सडनली दूध पीना छोड़ दिया है, या वो आज बिल्कुल दूध ही नहीं पी रहा, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कभी कभी हमारा जो खान पान होता है ना उसकी स्मेल हमारे दूध में आती है, उसका टेस्ट हमारे दूध में आता है और बच्चा फिर वो पीता नहीं है, क्योंकि एक बार उसको वो चढ़ गई तो वो उसको अवॉइड करता है, पीता नहीं है, एकदम छोड़ देता है ना। तो ये भी एक रीज़न होता है बच्चे का दूध ना पीने का। तो प्लीज़ लहसुन भी कुछ टाइम के लिए आप अवॉइड कर दें, जैसे लहसुन प्याज है ये कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर दें। जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ, लाइट फूड लें जो आपको पच जाए, आपको कब्ज की प्रॉब्लम ना रहे। जितना लाइट फूड आप लोगे आपके बच्चे को भी एकदम राहत मिलती रहेगी और उसका पेट भी फूला नहीं रहेगा, गैस की प्रॉब्लम से बिल्कुल उसको राहत मिल जाएगी। तो ये कुछ मैंने फूड आपको बताए हैं जो कि आपको अपनी डाइट से अपने बिल्कुल हटा देने, ये बिल्कुल भी आपको नहीं खाने हैं, तो ध्यान रखिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके जो बच्चे को जो प्रॉब्लम होती रहती है गैस की, चिड़चिड़ेपन की, बच्चा सो नहीं रहा है अननेसेसरी और थका हुआ है लेकिन फिर भी वो सो नहीं रहा है, ठीक है, पेट फूला हुआ है। दूध में आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आप जो दूध पी रहे हैं तो काऊ का दूध थोड़ा अभी आप अवॉइड कर दें, ठीक है। काऊ का दूध ना पिए, क्योंकि काऊ के दूध से क्या हो जाता है, बच्चे को एलर्जी हो जाती है और ग्रीन पॉटी के चांसेस भी हो जाते हैं। तो नहीं, वैसे तो काऊ का दूध जो बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत ज़्यादा पोषक तत्व उसमें होते हैं, लेकिन बच्चे के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे, और आप तो पी लेंगे लेकिन बच्चे को वो नुकसान कर सकता है, ठीक है। तो आप बफेलो मिल्क पी सकते हैं, अमूल का दूध पी सकती हैं, जो भी आपके यहाँ आता है वो दूध आप पी सकती हैं। तो दूध का भी आप बेहद ध्यान रखें कौन सा दूध आप पी रही हैं, और जिससे आपके बच्चे को दस्त ना लग जाए, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम आपको बार बार होती है कि बच्चे को दस्त हो गए, ग्रीन पॉटी आ रही है, या बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं, वो आपको फेस नहीं करने होंगे। तो आई होप आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ माई डियर इसको सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, अगर पहली बार है लाइक बटन क्लिक कर दीजिए,
और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि उससे ही सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। और कमेंट करके बताते रहिए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको क्या जानना है, डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।